हेलो साथियों, वेलकम टू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टेक्निकल कंपटीशन वॉरियर्स। साथियों, आप सभी मित्रों भाई बहनों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल कंपटीशन वॉरियर्स पे। तो साथियों, अपना टॉपिक डेली मॉर्निंग में 8 बजे चलता है क्या, डेली करंट अफेयर न्यूज बाय रवि जी के। तो साथियों, आज 31 जुलाई 2020 है और 31 जुलाई 2020 का जितना भी करंट अफेयर सवाल बना है मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ। तो साथियों, ये सेशन आप लोगों का SSC HSL CPO NTPC ग्रुप डी बैंक रेलवे एंड स्टेट ऑल स्टेट लेवल पुलिस एग्जाम, इन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है और इस सेशन से आप लोग को एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो साथियों, आप लोग YouTube चैनल टेक्निकल कंपटीशन वॉरियर्स जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए साथियों, आते हैं हम लोग बिना देरी के क्वेश्चन पे। तो क्या कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर एक। और हाँ साथियों, इस क्लास का अगर आप लोगों को PDF नोट्स चाहिए रिविजिंग करने के लिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ सर्च कीजिएगा GK by Ravi GK, मैं मिल जाऊँगा और उसको ज्वाइन कीजिए। डेली PDF भी वहाँ आप लोगों के बीच प्रोवाइड किया जाता है। तो नासा यानी कि नेशनल एयरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी अमेरिका का है। तो नासा का मंगल अभियान जो 30 जुलाई 2020 को प्रक्षेपित किया गया, जिसका नाम क्या है, प्रजर्वेरेंस रोवर। तो साथियों, ये मंगल ग्रह पे भेजा गया है और ये एक प्रकार का रोबोट है और जिसका नाम क्या है, प्रजर्वेरेंस रोवर। तो साथियों, ये 30 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया है मंगल यान के लिए, एक रोवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, अपना मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है। तो 30 जुलाई को मनाया गया मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई। आगे, किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया, अमेरिका जहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो अमेरिका देश द्वारा ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया गया। नेक्स्ट सवाल, COVID-19 मुकाबला करने के लिए ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितने मिलियन डॉलर के अनुदान की मंजूरी दिया। तो 3 मिलियन डॉलर साथियों, 3 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया किसने, ADB, किसके लिए, COVID-19 मुकाबला के लिए। अगला सवाल, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया, उत्तराखंड। साथियों, उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है। तो बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली बार हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया। अगला सवाल, किसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया, पुणे विश्वविद्यालय गुजरात। किसकी अध्यक्षता में भारत में रुके और भारत में पढ़े समिति की स्थापना किया गया, DP सिन्हा। नेक्स्ट, पेटीएम मनी के नए CEO कौन बने हैं, वरुण श्रीधर। अगला है, सीवर मैन होल की सफाई के लिए बैंडीकूट नामक रोबोट कहाँ तैनात किया गया, गुवाहाटी। किस राज्य में उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो 2020 आयोजित किया गया, हरियाणा। और नेक्स्ट है, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत जरूरी है नामक अभियान शुरू किया, भारतीय एक्सा। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत जरूरी है नामक अभियान शुरू किया। परियोजनाओं को पूरी तरह से शुरू करने वाला पहला स्वतंत्र बिजली उत्पादक बना है कौन, सेम्सकॉर्प। भारत के सबसे बड़ा वन्य जीव अनाथालय क्षेत्र यहाँ 130 एकड़ भूमि पर तैनात किया जाएगा, तो कहाँ, ये भारतीय पुणे जिला महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र, सॉरी गुजरात नहीं, महाराष्ट्र। अंतरिक्ष गतिविधियों को सक्षम करने और विनियमित करने और निजी क्षेत्र द्वारा इसरो के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की सुविधाओं के उपयोग के लिए इसरो का एकल खिड़की केंद्र इन स्पेस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राकृतिक केंद्र बना है। अगला, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापक वित्तीय शिक्षा एवं ज्ञान मंच जो ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सेबी द्वारा शुरू किया गया, तो ये क्या है, MSME सक्षम। अब बात करते हैं कुछ इसी करंट अफेयर से संबंधित, कुछ GK बनता है जो मैं हर डे आप लोगों को देता हूँ। तो चलिए, रामनगर वन्य परियोजना, रामनगर वन्य जीव अभयारण्यालय जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश में है। दक्षिण सहयोग के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष की स्थापना 2017 में किया गया। एशियन विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को किया गया। मुख्यालय इसका फिलीपींस मांडुली यांग में है।
भारतीय सौर ऊर्जा निगम सेक की स्थापना 9 सितंबर 2011 मुख्यालय नई दिल्ली, और भारतीय लघु उद्योग बैंक SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्थापना 2 अप्रैल 1990 मुख्यालय लखनऊ। तो साथियों ये था करंट अफेयर, और GK कैसा लगा आप लोग जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ साथियों, एच आर डी मिनिस्ट्री को अब शिक्षा यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री नाम दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। तो साथियों बहुत बदलाव हुआ है, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल को एक कर दिया जाएगा। साथियों यानी कि इस पर मैं आप लोग कल भी बोला था कि स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तो थोड़ा समय लग रहा है साथियों, क्योंकि ढेर सारा क्वेश्चन और अच्छा से न्यूज पूरा क्लियर हो जाए तब तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो साथियों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। सरकार अगर ऐसा करता है, शिक्षा में बदलाव करता है, तो पूरे देश सुधर जाएगा, मज़ा आ जाएगा साथियों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और 8 PM में अपना आज फिर 8 बजे रात में अपना GK साइंस एक्सप्रेस, और GK नहीं सॉरी साइंस एक्सप्रेस 2020 और GK मिक्स एक्सप्रेस चलता है अल्टरनेटिव। तो साथियों उस क्लास को भी लेना ना भूले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय युद्ध।